Hello everyone. In the today's video lecture, we will discuss commutator from quantum chemistry. एक बहुत ही important topic है. हर बार CSIR NET की exam में commutator से एक question आता ही आता है. तो किन्हीं भी दो quantum mechanical operators का commutator कैसे solve करते हैं, आज के इस video lecture में हम लोग सीखने वाले हैं. With example मैं आपको solve करके बताऊंगा. 3-4 examples हम solve करेंगे. Example के help से हम ये भी देखेंगे कि आखिर में linearity rule क्या होता है, कैसे linearity rule से हम commutators को solve करते हैं, distributivity rule क्या होता है, distributivity rule से हम कैसे commutators को solve करते हैं, दोनों के examples हम separately देखने वाले हैं. तो last तक इस video को जरूर देखिए क्योंकि बहुत important है. 2 marks और 4 marks का एक question compulsory है CSIR NET के अंदर. तो हम क्यों ना इसको बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से इसको समझ ले. चलिए हम शुरू करते हैं. कम्यूटेटर को कैसे डिफाइन करते हैं, सबसे पहले तो ये देखिए, एक बॉक्स बनाते हैं, ये एक कैपिटल बॉक्स बनाते हैं. इस कैपिटल बॉक्स के अंदर हम दो कोई से भी ऑपरेटर लेते हैं विद कॉमा सेपरेटेड. कॉमा सेपरेटेड दो ऑपरेटर्स मैंने लिए, ये ऑपरेटर ए है और ये ऑपरेटर बी है. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्यूटेटर. क्लियर है, इतना सा है सिर्फ. कोई से भी दो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स हम ले लेंगे, उन दोनों को यहां पर मैंने रख दिया. फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये पोजीशन ऑपरेटर और ये हमारे लिए हो गया डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, और इन दोनों को मैंने एक कम्यूटेटर बना करके रख दिया. क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, क्या होते हैं, सभी के ऊपर मैंने एक सेपरेटली वीडियो, प्रीवियस वीडियो हमारा वही था, वह मैंने बना रखा है. आपने देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो पहले क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स देख लीजिए. ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस वाला जो वीडियो लेक्चर है वो देख लीजिए, तो आपको यहां पर कम्यूटेटर सॉल्व करने में ज्यादा अच्छा रहेगा. ये इस टाइप से हम कम्यूटेटर को रिप्रेजेंट करते हैं. अब देखिए कम्यूटेटर को सॉल्व कैसे करते हैं, जो भी दो ऑपरेटर्स हमको कम्यूटेटर के अंदर दिए हुए हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, पहले इसका इस ए को आगे, जो पहले है उसको आगे रख करके दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, माइनस फिर दूसरे को आगे रख करके पहले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम. इस टाइप से हम कम्यूटेटर को सॉल्व करते हैं. कम्यूटेटर के अंदर जो भी दो हमको क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स दिए हुए हैं उन ऑपरेटर्स को हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे. पहले को पहले रखेंगे, फिर दूसरे को बाद में रखेंगे, दोनों का प्रोडक्ट माइनस, फिर दूसरे को पहले रखेंगे, पहले को बाद में रखेंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट, और इनका जो रिजल्ट है वो यदि जीरो आता है तो हम ये कहेंगे कि ऑपरेटर ए एंड ऑपरेटर बी आर कम्यूट विथ ईच अदर. क्लियर है, हम ये कहेंगे कि दोनों के दोनों जो ऑपरेटर्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या है, कम्यूट ऑपरेटर्स है. तो ये कब होगा, जब जीरो आएगा. तो हम आगे कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं, उनमें हम ये फाइंड आउट, जैसे मैंने ये एग्जांपल ले लिया. अब इस एग्जांपल में एक्स एक ऑपरेटर है, डी बाई डी एक्स एक दूसरा ऑपरेटर है, ये दोनों ऑपरेटर एक दूसरे के साथ कम्यूट है कि नहीं है, यही चेक करना होता है हमको कम्यूटेटर की थ्रू. क्लियर है, कम्यूटेटर के थ्रू हम क्या चेक करेंगे कि दोनों ऑपरेटर एक दूसरे के साथ कम्यूट है या नहीं है. कम्यूट है तो उन दोनों का इस टाइप का ऑपरेशन का इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा. इस ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ कि ए इंटू बी विल बी इक्वल टू बी इंटू ए. यदि ऐसा है तो ही तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी. तो ये एक दूसरे के साथ कम्यूट होने की कंडीशन है. क्लियर है, ऑपरेटर्स कम्यूट है. चलिए अब हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. इसी एग्जांपल को फर्दर एक्सटेंड कर देता हूं मैं. ये मैंने लिया एग्जांपल, ठीक है. एग्जांपल हमको एग्जाम में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक्स डी बाय डी एक्स. अब हमको इसको कम्यूटेटर के थ्रू सॉल्व करके बताना है इसका रिजल्ट क्या आएगा. और रिजल्ट यदि जीरो आता है तो ये एक दूसरे के साथ कम्यूट है, यदि जीरो नहीं आता है तो ये एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं है. चलिए करते क्या है, वही जो यहां पर अभी हम करके आए, पहले x d बाय डी एक्स माइनस डी बाय डी एक्स एक्स. क्लियर है, अब ये हमारे लिए एक फॉर्मूला बन गया. अब हम इसको किसी ये तो ऑपरेटर है, अब ऑपरेटर्स कभी खुद से तो कोई रिएक्शन करेंगे या खुद से तो कोई ऑपरेशन करेंगे नहीं, हमको इसके लिए कोई ना कोई फंक्शन लेना होगा. तो हम एक साई फंक्शन ले लेते हैं, साई भगवान हमेशा रहेंगे हमारे साथ. देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब ये तो इधर ही रख लेता हूं, या चलो एक बार और लिख देता हूं मैं, डी बाय डी एक्स साइन. अब इसका साइन लेकर के मीन्स फंक्शन लेकर के सॉल्व करते हैं, एक्स डी बाय
dx माइनस dy dx x साइन। अब साइन को दोनों के साथ अंदर ले जाता हूं मैं, इसको आप लिखना छोड़ दो, ये इधर ही रहेगा, इसका ऑपरेशन ही क्या आएगा वो हम यहां पर लिख रहा हूं, x dy dx साइन माइनस dy dx x साइन। ये अंदर मैंने साइन को अंदर ले लिया। अब देखिए ये तो सिंपल dy dx साइन है, लेकिन यहां पर क्या है, dy dx के साथ x भी और साइन भी है, दो हो गए, मीन्स ये uv वाला फॉर्मूला बन गया हमारे लिए, कौन सा dy dx u इंटू v वाला फॉर्मूला हमारे लिए बन गया है। अब ये फॉर्मूला यहां पर मैं अप्लाई कर देता हूं, ये फॉर्मूला कहां से आया, इसके लिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से क्वांटम केमिस्ट्री में यूज होते हैं वो हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ही देख लिया। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, फर्स्ट वीडियो से ही स्टार्ट करें आप क्वांटम केमिस्ट्री को सॉल्व करना, क्वांटम केमिस्ट्री को सीखना, फर्स्ट वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करेंगे तो आप लास्ट तक बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, आई गारंटी इट। और यदि आप नए हैं तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए इसको आगे सॉल्व करता हूं मैं, तो मैं इसको हटा देता हूं, ये तो फार्मूला है हमारे लिए यूवी वाला। अब यहां पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, एक्स डी बाय डी एक्स साइन माइनस यूवी वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि एक बार एक को बाहर रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को बाहर रखो माइनस, ये दूसरे को बाहर रखा और पहले का डिफरेंशिएशन हमने कर दिया। अब यहां पर देखो एक्स डी बाई डी एक्स साई पॉजिटिव माइनस एक्स डी बाई डी एक्स साई नेगेटिव, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं माइनस साई, तो बचेगा क्या वो लिख दिया डी बाई डी एक्स एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स मीन्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा वन होगा, मीन्स हमारे पास अल्टीमेटली बचेगा क्या माइनस साई। अब साई जो हमने लिया था, हमने खुद से इसको सॉल्व करने के लिए लिया था, काम हो गया, हटा दो, साई भगवान गए, बचेगा क्या माइनस वन, मीन्स मैं अब ये भी लिख देता हूं किसको ले रहे थे हम, एक्स डी बाय डी एक्स का रिजल्ट क्या आया माइनस वन आया, इनके कम्यूटेटर को सॉल्व करने पर रिजल्ट क्या आया माइनस वन आया। यदि जीरो आता तो ये दोनों के दोनों ऑपरेटर एक दूसरे के साथ कम्यूट होते, जीरो नहीं आया इसका मतलब यह है कि ये एक दूसरे के साथ कम्यूट ऑपरेटर्स नहीं है, बात क्लियर है, ये पहला वाला एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिया। लिनियरिटी रूल और डिस्ट्रीब्यूटिविटी रूल हम सीखे उससे पहले एक और एग्जाम्पल हम सॉल्व कर लें, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक बार में दिक्कत आएगी, जो बायो वाले हैं उनको तो दिक्कत आएगी थोड़े से इसको समझने में, क्वांटम केमिस्ट्री उतना भी आसान नहीं है, यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस को समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल हम कम्यूटेटर्स को सॉल्व करने के लिए कर लेते हैं, क्या है वो एग्जाम्पल इसको इरेज कर देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया है, कम्प्यूटेटर सॉल्व करना है हमको, दो ऑपरेटर मिले हुए एक्स और पी एक्स मिला हुआ है, इन दोनों को सॉल्व करना है, एक्स मीन्स पोजिशन ऑपरेटर है, पी एक्स मीन्स लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर है, ये क्या ऑपरेटर्स होते हैं मैं एक बार फिर से कह देता हूँ, क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है तो उसको आप देख लीजिए पहले, यदि आपको ये बात समझ में नहीं आ रही। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम, अब सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, पहले तो इसको फैला लेना है, फैला दो, चलो एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स, इतना तो आसानी से सब लोग कर लेंगे, ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए वाला, ठीक है। अब हमको इसको सॉल्व करने के लिए एक्स पी एक्स साइन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स एक फंक्शन हम एज्यूम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स इंटू एक्स साइन। अब ये साइन को मैं अंदर ले लेता हूं, इसको मैं अब इधर ही कर देता हूं, एक्स पी एक्स साइन माइनस पी एक्स एक्स साइन, क्लियर है। अब यहां पर तो देखिए पी एक्स के साथ साई ही, लेकिन यहां पर पी एक्स के साथ दो फंक्शंस हो गए हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमको यूवी वाला फिर से फॉर्मूला यहां पर लगाना होगा, यूवी वाला फॉर्मूला यहां पर फिर से चल जाएगा, देखिए एक्स पी एक्स साई माइनस, एक बार पी एक्स को आगे रख लेते हैं, सॉरी एक्स को आगे रख लेते हैं, एक्स पी एक्स साई, और एक बार साई को आगे रख लेते हैं साई पी एक्स एक्स, क्लियर है, इस बात को समझने में कोई दिक्कत, जैसे हमने डिफरेंशिएशन वाले में देखा था फॉर्मूला वैसा का वैसा, क्योंकि पी एक्स मीन्स लीनियर मोमेंटम में भी पहले क्या होता है डिफरेंशिएशन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होता है, माइनस आयोटा एच कट से
वो भी अभी देख लेते हैं हम। देखिए एक्स पी एक्स साइन माइनस एक्स पी एक्स साइन, पॉजिटिव नेगेटिव ये तो क्रॉस हो गया, बचा क्या माइनस साई पी एक्स इंटू एक्स। अब पी एक्स होता क्या है उसको भी निकाल लेते हैं हम, माइनस साई पी एक्स को मैं देख लेता हूं क्या पी एक्स होता है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डी बाई डी एक्स, और हमारे पास है क्या बाद में एक्स है, यही तो है पी एक्स, ये पिछले वीडियो में हम पढ़ करके आए हैं। चलिए अब ये डी बाई डी एक्स एक्स तो क्या हो जाएगा वन ही हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस साइन इंटू माइनस आयोटा एच कट। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मीन्स हमारे पास आंसर क्या आएगा आयोटा एच कट साइन, साई जैसे हमने लिया था वैसे ही हटा देते हैं हम, हमारा आंसर आया आयोटा एच कट। क्या आया माइनस हट गया आयोटा एच कट हमारे पास बचा हुआ है इस कम्यूटेटर का आंसर। इसका मतलब क्या है कि ये एक कम्यूट ऑपरेटर नहीं, ये दोनों कम्यूट ऑपरेटर नहीं है एक दूसरे के साथ, क्योंकि आंसर जीरो नहीं आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये तो दोनों हमने एग्जांपल्स सिंपल से एग्जांपल्स थे तो सॉल्व कर लिए, अब लीनियरिटी रूल क्या होता है उसको हम सीखते हैं। देखिए लीनियरिटी रूल, लीनियरिटी रूल, और फिर दूसरा सीखेंगे हम, पहला ये है लीनियरिटी रूल, दूसरा है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी रूल, दोनों को एक साथ सीखते हैं हम। देखिए लीनियरिटी रूल का क्या कहना है कि यदि कम्यूटेटर जो दिया हुआ है उसके अंदर ऐसी कंडीशन दी हो कि ए कॉमा बी प्लस सी, क्लियर है, ऐसा दिया हो, मीन्स दो ऑपरेटर तीन ऑपरेटर दिए हैं लेकिन हमको तो कम्यूटेटर के अंदर दो ही शो होते हैं, एक ऑपरेटर ये एक ऑपरेटर ये, तो इन दोनों को पहले हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं वही तो रूल है, इसको ही हम कहेंगे लीनियरिटी रूल। क्या करते हैं हम, देखो पहले ए का बी के साथ कम्यूटेटर निकालेंगे, ए का किसके साथ बी के साथ, प्लस फिर ए का सी के साथ कम्यूटेटर निकालेंगे और दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा उनका सम कर देंगे तो हमारे पास इस कम्यूटेटर का आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है, पहले ये वाला कम्यूटेटर सॉल्व करेंगे फिर ये वाला कम्यूटेटर सॉल्व करेंगे, दोनों का सम कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। एक और ए प्लस बी कॉमा सी प्लस डी ऐसा दिया हो तो भी ऐसा ही करेंगे हम, क्या करेंगे ए का एक बार सी के साथ कम्यूटेटर प्लस ए का एक बार डी के साथ कम्यूटेटर, क्लियर है, ए का सी के साथ और डी के साथ काम खत्म। अब बी का प्लस बी का सी के साथ कम्यूटेटर प्लस बी का डी के साथ कम्यूटेटर, चार कम्यूटेटर हमको सॉल्व करने पड़ेंगे उसके बाद इस कम्यूटेटर का रिजल्ट आएगा हमारे पास, ये है लीनियरिटी रूल। दूसरा है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी रूल, डिस्ट्रीब्यूटिविटी रूल बहुत आसान है इसको सॉल्व करना, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए होता क्या है, जैसे यहां पर लीनियरिटी रूल में प्लस या माइनस हमने यूज किया है वैसे यहां पर मल्टीप्लाई यूज करेंगे, यहां पर जैसे मैंने प्लस यूज किया ऐसे माइनस भी यूज कर सकता हूं, माइनस यूज करूंगा तो सभी जगह माइनस हो जाएगा जहां पर प्लस है, ऐसे ही हम यहां पर क्या यूज करेंगे अब मल्टीप्लाइड यूज करेंगे। देखो कैसे, ये लो बी इंटू सी, ये हमको कम्यूटेटर दिया हुआ है, यहां पर प्लस माइनस की जगह पर क्या आ गया मल्टीप्लाई आ गया, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए ए हमको सिंगल दिया हुआ है, ए का एक बार बी के साथ कम्यूटेटर सॉल्व करेंगे, जो बचा कौन सी उसको बाहर कर देते हैं, क्लियर है, ए का एक बार बी के साथ कम्यूटेटर सॉल्व करेंगे, बचा हुआ कौन है सी उसको बाहर कर दिया प्लस, फिर ए का सी के साथ कम्यूटेटर सॉल्व करेंगे और बचा कौन बी उसको कर दिया बाहर। इस टाइप से हम लीनियरिटी रूल मानते हैं, या सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिविटी रूल मानते हैं, तो इस टाइप से हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी रूल मानते हैं। अगला इसको ही थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, ए बी सी डी कर देता हूं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप देख लीजिए, बहुत आसान है इसको सॉल्व करना, ए का एक बार सी डी के साथ, ए का एक बार किसके साथ सी डी के साथ, क्योंकि ये एक पूरा ग्रुप है इसके साथ बचा कौन बी इसको बाहर कर दिया प्लस, फिर बी का एक बार सी डी के साथ, बी का सी डी के साथ किसको बाहर कर दिया ए को बाहर कर दिया। अब ये कुछ इसकी तरह से हो गया है ऊपर वाले की तरह से, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते फर्दर, मैं इसको इधर कर देता हूं, लिखने की जगह थोड़ी सी कम पड़ जाएगी, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं इतने से को, या इसको मैं ऐसे ब्रैकेट बना लेता हूं, क्लियर है, इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करके लिख देता हूं, ए का एक बार सी के साथ
बाहर कौन, d प्लस a का एक बार d के साथ, d के साथ बाहर कौन c, और पहले से बाहर कौन था, पहले से बाहर कौन था b प्लस। क्लियर है, इसको मैंने सॉल्व किया तो इतना हो गया। आगे ये भी है हमारे पास, प्लस के बाद मैं नीचे लिख देता हूं, थोड़ी सी जगह उधर कम है, तो b का एक बार c के साथ, b का c के साथ बाहर कौन d, b का फिर एक बार d के साथ बाहर कौन c, और इन सभी के बाहर कौन है a है। ये कम्यूटेटर मीन्स हमको कितने कम्यूटेटर सॉल्व करने पड़ेंगे, 1 2 3 4, और फिर उनका सॉल्व करके हमको लाना है b निकाल करके लेके आना है। ये सॉरी ये कम्यूटेटर नहीं है, ये सिर्फ ये नहीं तो आप इस कैपिटल ब्रैकेट को कम्यूटेटर समझ जाएंगे, कम्यूटेटर नहीं है ये, सिंपल से ब्रैकेट्स थे, ये चार ब्रैकेट ही कम्यूटेटर है हमारे लिए। क्लियर है, तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। अब मैं अप्लाई कर देता हूँ एक एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ उसमें लिनियरिटी रूल और डिस्ट्रीब्यूटिविटी रूल दोनों ही रूल एक साथ यूज हो जाएंगे तो आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा सीखने में। चलिए एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है एक्स एच एक्स। क्लियर है, एच एक्स क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, पिछले वीडियो लेक्चर में हम सीख चुके हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर मतलब टोटल एनर्जी ऑपरेटर। अब इसको ही हम और कैसा लिखेंगे, टोटल एनर्जी ऑपरेटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, टी एक्स प्लस वी एक्स के इक्वल होता है। क्लियर है, अब ये बन गया हमारे लिए लिनियरिटी रूल, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, लिनियरिटी रूल को सॉल्व कर लेते हैं। लिनियरिटी रूल को सॉल्व करने के एक बार टी एक्स के साथ, टी एक्स क्या है ट्रांसलेशनल ऑपरेटर मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, प्लस एक हमारे पास क्या है वी एक्स है, तो एक्स का एक बार वी एक्स के साथ हम ये कम्यूटेटर सॉल्व करेंगे। इसको जो हमको एग्जाम्पल मिला हुआ था इसको इस टाइप से अब हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखें, क्या ध्यान से देखना है कि ये जो दिया हुआ है एक्स और वी एक्स, जब हमने पहला वाला वीडियो पढ़ा था या अभी क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स वाला पढ़ा था, तो पोजिशन ऑपरेटर और ये जो वी एक्स मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर का डिस्क्रिप्शन हमने क्या दिया था कि ये सिर्फ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर्स हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई होते हैं, और जो भी ऑपरेटर सिर्फ मल्टीप्लाई होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्यूट होते हैं। क्लियर है, जब एक दूसरे के साथ ये यदि ये कम्यूट है तो इनका आंसर क्या आएगा, जीरो। ध्यान दे बात को, जो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर्स होते हैं वो कम्यूट ऑपरेटर्स होते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो उनका आंसर तो क्या हो जाएगा, जीरो। मीन्स टी एक्स और वी एक्स का कम्यूटेटर सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आया, जीरो। तो ये वाला तो सारा जीरो हो गया, अब बचा क्या, सिर्फ हमारे पास एक्स टी एक्स ही बचा, अब इसको ही सॉल्व करना है हमको। अब एक्स टी एक्स, टी एक्स क्या होता है, टी एक्स मीन्स काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं, पी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, ऐसे ही लिखते हैं हम इसको। 2m तो कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगी, कांस्टेंट वैल्यूज का कम्यूटेटर सॉल्व नहीं होता है, वो बाहर हो जाते हैं। चलिए 1 अपॉन 2m बचा क्या हमारे पास, x पी एक्स स्क्वायर, ये बचा अब हमारे पास। क्लियर है, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाती है, जो भी कांस्टेंट वैल्यूज कम्यूटेटर के अंदर होती है वो बाहर आ जाती है, बचता है सिर्फ अंदर वो जो बाकी है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो गया, इसको आप देखो यहाँ पर लिनियरिटी रूल हमने लगाया, ये आया, अब यहाँ पर लगेगा डिस्ट्रीब्यूटिविटी रूल, एक्स पी एक्स इंटू पी एक्स, इसी को तो हम स्क्वायर लिखेंगे। ये अब क्या बन गया हमारे लिए, डिस्ट्रीब्यूटिविटी रूल। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी रूल को कैसे सॉल्व करते हैं, अभी हम सिखा करके आए हैं उसको, 1/2m, ये इसको एक ब्रैकेट बना लेता हूँ मैं, एक्स का एक बार इस पी एक्स के साथ कम्यूटेटर सॉल्व करेंगे, दूसरा पी एक्स बाहर, प्लस इस एक्स का दूसरे पी एक्स के साथ कम्यूटेटर सॉल्व करेंगे, पहला वाला पी एक्स बाहर। अब क्या आपको ये दोनों के दोनों यूनिट्स सेम लग रही हैं, तो इसके आगे मैं 2 लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं, मीन्स क्या हो जाएगा, 1/2m 2 पी एक्स एक्स इंटू पी एक्स, इस टाइप से हम इसको लिख देंगे। अब ये 2 पी एक्स में बाहर कर लो तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, मैंने 2 पी एक्स बाहर कर लिया, मीन्स 2 पी एक्स डिवाइडेड बाय 2 एम, और बचा क्या कम्यूटेटर हमारे पास, एक्स
पी एक्स ही बचा यहां पर, ठीक है। एक्स पी एक्स का कम्यूटेटर क्या होता है वो अभी इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में, वो अभी इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हम सीख कर क्या है कि एक्स पी एक्स का कम्यूटेटर क्या आता है। 2px डिवाइडेड बाई 2m और xpx का आया था आयोटा एच कट। अभी इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हम देख करके आए थे, जो सेकेंड एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया था आयोटा एच कट। ये 2 से 2 तो कट जाएगा, मीन्स हमारे पास बचेगा क्या, आयोटा एच कट px डिवाइडेड बाय m बचने वाला है। px की वैल्यू हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। px की वैल्यू क्या होती है वो यहाँ पर हम रख देते हैं। देखो आयोटा एच कट डिवाइडेड बाई एम, पी एक्स की होती है वैल्यू माइनस आयोटा एच कट डी वाई डी एक्स, यही तो होती है पी एक्स की वैल्यू। अब देखिए माइनस आयोटा एच कट, इधर आयोटा एच कट, इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं हम, माइनस हो जाएगा, पूरी वैल्यू हमारे लिए माइनस हो जाएगी। माइनस आयोटा का भी स्क्वायर, एच कट का भी स्क्वायर, और इनके अपॉन में है एम डी बाय डी एक्स, ये हम कर देंगे, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, माइनस वन आती है, माइनस वन में यहाँ पर रखूंगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, प्लस वन मीन्स वन तो बचेगा ही, तो बचेगा क्या, आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम डी बाय डी एक्स, ये होगा हमारे पास। अब एच कट स्क्वायर या एच कट की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, एच कट की वैल्यू होती है एच अपॉन टू पाई, कितनी होती है एच अपॉन टू पाई। एच स्क्वायर की वैल्यू मैं रखूंगा, मैं बाकी का इधर सॉल्व कर देता हूं, नीचे आपको दिखेगा नहीं। एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच स्क्वायर डिवाइड इसका भी स्क्वायर कर देता हूं, मीन्स 4 पाई स्क्वायर ये आएगा, तो मैं यहां पर 4 पाई एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, नीचे और क्या है हमारे पास एम इंटू डी बाय डी एक्स, इतना आंसर एक्सटेंड हो सकता है हमारा सारा। यहाँ से वहाँ तक आप देख लीजिए कि आखिर में मैंने क्या किया, पहले लिनियरिटी रूल लगाया, यहाँ तक आ गए, फिर हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिविटी रूल लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिविटी रूल को सॉल्व करते करते हमने ये आंसर लेकर के आए हैं। इस टाइप से कम्यूटेटर को सॉल्व करना होता है, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चंस। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ एग्जाम्पल्स, या आप एक काम कीजिए, मैं इस टाइप के क्वेश्चंस की कुछ ट्रिक्स भी आप लोगों को बताने वाला हूं और कुछ एग्जांपल्स भी आप लोगों को देने वाला हूं हमारे फेसबुक पेज पर। आप हमारा फेसबुक पेज जरूर लाइक कर दीजिए, उस पर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के कुछ ट्रिक्स भी मैं आप लोगों को एक वीडियो में बता दूंगा, और उसमें आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दे दूंगा कम्यूटेटर्स के, तो वो भी आप सॉल्व कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फेसबुक पेज का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।